ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कराया था और कैश का भी डिस्ट्रीब्यूशन रखा था कैश के साथ रेशन। तो इस बार भी जो है हर साल की तरह ये लॉकडाउन में मैं बोलिया तो जब से जो है हमारे मौलाना उमर हजरत साहब और मेरे बड़े भाई जनाब इम्तियाज साहब आपको तफसील से सारे चीज़ बता दें क्या क्या ये लॉकडाउन में लॉकडाउन डे वन डे टू में डे वन से मैदान में उतर को हॉस्पिटल में लोगों के बीच में काम कर ले को मई रंदे इरफान पाशा रंदे उमर रंदे असगर रंदे मोहसिन अकबर हमें तमाम पूरे भाइया दोस्त जितने भी हमारे इम्तियाज साहब हमारे अल फुरकान की टीम हमारे आसिफ बैनर तमाम जो भी हमारे छोटे भाई अरफात नगर के अल्ताफ तमाम जितने भी ही सब मिलकर ये खिदमत कर ले को जाने को ही डे वन से डे वन से तो कोविड सेंटर भी बनाए। कोविड सेंटर जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक 10 दिन के वास्ते चलाए जब पीक था जब केसेस ज्यादा थे बेटा नहीं मिलने को थे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था सिलेंडर्स का प्रॉब्लम था किधर देखे तो भी डेड बॉडीज किधर देखे तो भी पेशेंट ना किधर देखे तो भी बहुत लाचार मजबूरी से लोग गुजर ले को जाने को थे। तो ऐसे हाल में मैं हमारे बड़े भाई जनाब खलंदर साहब को बात करया भैया ऐसा मैं एक कोविड सेंटर बनाना करता हूँ मैं और हमारे इम्तियाज भाई इरफान पाशा बात करने में हमारे खलंदर साहब बोले तुम्हें क्या हुआ तो भी कर लियो होम के वास्ते अच्छे काम के वास्ते कभी भी मैं तुम्हारा साथ दूँ करो ये बात तो रखे दूसरी बात इस नहीं करे पाऊ तो कोविड सेंटर भी बनाए बेटा भी ले लगा को डाले बराबर बेटा भी डाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी ले लगा है डॉक्टर्स भी विजिट कर रहे हैं और पेशेंट भी आए तो 6 पेशेंट को हमें यहाँ इलाज भी करे उनको बैकअप दिए 5 जो है रिकवरी हुई एक की आपको डेथ होगी डेथ जो है वो ऐसी थी 35 पल्स था 35 सैचुरेशन था ऐसे पेशेंट को कहा कि 3 लाख की 2 लाख की बिल भर को ले लगा गए थे सो डॉक्टर हमको भेज डाले थे ऑलरेडी का टाइम होगा शाम तक चले जा पाते फिर भी वो फैमिली वाले ले लगा को यहाँ हमारे पास एडमिट करे तो 5-6 में 6 रिकवरी एक जो है डेथ हुआ। तो उसी दौरान चामराजनगर के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 जने मर गए बराबर। तो ये सारे मसले मसाइल हमारे बीच में आए हमारे सामने आए डिस्कशन करे जैसा हमारे डिस्कशन चला और कोविड सेंटर चलने को था जाने जाने क्या होगा जो कोविड की पीक वो कम होगी यानी के बीमार होने का कम होगा। आज तुम्हें देख सकती के वो लेवल का प्रॉब्लम नहीं है है क्या जो आज से 15 दिन पहले जब हमने कोविड सेंटर ओपन करे थे उस वक्त जो लोग इंतकाल हुए जो हालात से गुजरना पड़ा लोग आज अल्लाह की मेहरबानी वो कम है। ये एक तरफ हमारा काम अल्लाह की मेहरबानी से और दूसरी तरफ रमजान रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का रंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पादरेपुरा जे नगर थोड़े बहुत मोमिनपुरा और रायपुरम सारे इलाके को लेको पादरेपुरा को एक 10,000 के करीब रेशन डिस्ट्रीब्यूशन करे श्यामनागढ़ में 5,000 इरफान पाशा की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हमारे उलमा इकराम के वास्ते जो हमारे से खिदमत हुई असल अपना बताया कि उलमा इकराम को भी कुछ रेशन और हमारे तरफ से कुछ हदिया दिया गया और बीबीएमपी के जो डॉक्टर्स नर्सेस थे स्टाफ थे उनको भी कुछ राशन और रेशन कैश डिस्ट्रीब्यूशन किया और साथ में जो आशा वर्कर्स थे हेल्थ वर्कर्स उनको भी राशन और कैश
कैश डिस्ट्रीब्यूशन किया हमारे तरफ से। तो इसके चलते आज जो है हमारे ऑटो ड्राइवर भाई हमारे, मैं सिर्फ पांडरेनपुरा के करको बोल को लिस्ट लेकर बैठा था। अब जैसा पांडरेनपुरा के करना करको बोल को एक सौ सवा सौ हो गए, तो हमारे चंद दोस्ता जो गुड़दड़ी में रहती, जो श्यामना गार्डन में रहती, जो जे जे नगर में रहती, रायपुरम में, तो तम सारे एरिया से आपको मुझे कांटेक्ट करे, क्या इमरान भाई खाली तुम्हें पांडरेनपुरा को कर लिया तो कैसा, खाली तुम्हें इलेक्शन का सोच को, तुम्हें इलेक्शन को खाली पांडरेनपुरा में खड़ती करके बोल को तुम्हारे एरिया को कर लिया तो कैसा, तुम्हें गुड़दड़ी को भी करना, श्यामना गार्डन को भी करना, गोली पड़े को भी करना, रायपुरम को भी करना, हमारे भी भाया ऑटो ड्राइवर भाया वो इलाके में भी तकलीफ में ही, तुम्हें उनको भी दिए तो अच्छा रहता। आग जब जाको मैं हमारा हमारी टीम जब जाको मैं हमारी टीम के साथ डिस्कस करको, ठीक है चलो बोल को जे जे नगर, रायपुरम, श्यामना गार्डन, मंजूनाथ नगर और थोड़े बहुत आजाद नगर से भी आप वही, तो अलग अलग एरिया से मिला को आज एक 10 लाख का पैकेज करया, जिसमें 5 लाख का रेशन और 5 लाख कैश कर को, 5 लाख का रेशन और 5 लाख कैश। तो ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे भाइयों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं हमारे तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जो कुछ भी आज हमें लोग कर रही, मैं उतना बड़ा क्या भी बड़ा आदमी नहीं, एक छोटी हैसियत का तुम्हारा भाई, जो अल्लाह मेरे हाथ में दिया, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं तो मैं लोग बेजार कर लिया, तो दुआ करो कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे और ताकत दिया तो और मुझे अल्लाह नवाजे। तो कसम खुदा की हमेशा मेरी सोच हमेशा जो है दिन रात हर वक्त जो है मैं कुछ ना कुछ हमारे लोगों के वास्ते करना, हमारे गरीब भाइयों के वास्ते करना, हर एतबार से मैं हमेशा ये चीज दिमाग में लेकर चलते रहता हूँ कि कुछ ना कुछ देते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ दिलाते रहना, ये मेरी उम्मीद है, ये मुझे हमेशा दिमाग में चलते रहता। तो मैं ये सारे चीजें कर ले को तुम्हारे बीच जाले को हूं, और मेहरबानी से जितने तो अल्लाह की मेहरबानी, दुआ करो जितना जो भी हमें लोग का काम करने और दूसरे जिन्हें कोई भी करते रहेंगे, जिन्हें कोई भी रहते अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी हक में दुआ करो कि अल्लाह ताला जो है हर किसी के देने को कबूल करेंगे, हर किसी के देने को अल्लाह राजी होते, और हमें जो करनी और दूसरे कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर एक एनजीओ तक को है, हर एक ट्रस्ट वाले करनी, हर एक मस्जिद मदारिस वाले करनी, हर एसोसिएशन वाले करनी, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह जो उनको नवाजा, जो हिदायत दिया उसके मुताबिक भी कर ले को जाले को है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके हक में भी दुआ करो, इंशाल्लाह आइंदा दिन में अल्लाह अगर मुझे, मैं फिर से बताना चाहता हूं, मुझे अल्लाह ताला नवाजा और मेरी ताकत अल्लाह ताला बढ़ाया तो इंशाल्लाह ताला हमेशा मैं जुड़ दो तुम्हारे वास्ते काम करने के वास्ते मैं रहतो, और कभी भी कौन से भी, और बहुत सारे लोग क्या की ये वो अलग अलग टाइप से क्या की चीज कर ले को जाले को ही, मैं एक ही चीज बात बोलना चाहता हूँ। अब परसों हाल जो हमारे ये जो 16-17 नौजवान बच्चे थे, ये बच्चे के मामले को लेकर कुछ जयनगर पुलिस स्टेशन में और बीबीएमपी आउटसोर्स जो रिक्रूटमेंट करता एक एजेंसी, उस एजेंसी के बच्चे को रात में पुलिस वाले बिठा लेते हैं, तो 2 दिन उनके पीछे किसे किसे बात करना,
किसे किसे कांटेक्ट करना, रात में देर रात कर को मेरे से जो हुआ वो मैं खिदमत कर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे हमको वापस बुला लेने के वास्ते, छुड़ाने के वास्ते जो मेरे एफर्ट्स थे वो मैं डाला, वो डाला। और उसके बाद दूसरे भी जिन्हें भी खिदमत करे, जिन्हें भी उनके एफर्ट्स आपको जो भी करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको भी कबूल करे, अल्लाह उनको भी आगे लेकर जाते। और ऐसे बहुत सारे मसाले हैं, कौन को हमना रंदे तुमना रंदे, ये जरूरी है समझना। और परसों हाल जो कुछ हमारा और एक हमारे एमएलए साहब का कुछ डिफरेंसेस आगा कर बोलो, एक बहुत सारा बहुत सोशल मीडिया में बहुत बड़ा ये चला। इंशाल्लाह मैं एक दो चार दिन के बाद क्या वजह से हुआ और इसकी वजह क्या, कहीं को ऐसा हुआ, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं तुम्हारे बीच आपको सुनाता हूँ, बहुत जल्द मैं आपको तुम्हारे बीच मेरी बात को रखता हूँ। लेकिन जो भी हुआ वो अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ भी प्री प्लान नहीं, कुछ भी ऐसा करना वैसा करना। मेरे तरफ से जो मैसेज हुआ उसके तरफ से मैं रिग्रेट करता हूँ, और तुम्हें लोग अभी इंशाल्लाह दुआ करो कि हमेशा हमें जो है तुम्हारे बीच भाया बन को, तुम्हारे बच्चे बन को चली सो, और आई ना भी इंशाल्लाह तुम्हारे साथ को, हमें तुम्हारे भाया और बच्चे बन को हमें चलती हमेशा। कहीं की एक जगह एक मैं ज्यादा वक्त ले लेता, बहुत सारा टाइम भी होगा, एक ही बात मैं हमारे हजरत अली का हॉल बताना चाहता हूँ। जब कोई तुम्हें चाहने लगता है, जब कोई तुम्हें चाहने लगता है, तुम्हारी गलतियां भूल जाता है। जब कोई तुम्हें चाहने लगता है, तुम्हारे 100 गलतियां रहे तो भी तुम्हें भूल जाता है। जब कोई तुम्हें नफरत करने लगता है तो तुम्हारी 90 अच्छा रहे तो भी भूल जाती है। तो ये मेरी बात नहीं, आपकी बात नहीं, हजरत अली का कॉल है। तो इंशाल्लाह हमें जो है इंसान आज आसमान से डायरेक्ट आई नहीं, बराबर है, तो हर किसी से कुछ ना कुछ छोटी मोटी बड़ी अनबन हो गया। कभी क्या है, भाई एक किसी को अंगली उठा को दिखाने से पहले ये कंगली सामने रहती, नंगलियां मुझे पीछे से देखते रहते, मैं ये भी सोचना पड़ता है कि नहीं। मैं हमेशा दुआ कर रहा हूं अल्लाह कने किसी को भी होता आज, किसी को बर्बाद कर डाल को, किसी को हार कर डाल को, किसी को अल्लाह को रिश्तो नाबूद कर डाल को, मैं अच्छा कर डाल को, अल्लाह की कसम मैं मकबरे हूं, मैं पूछ को नहीं हूं, ऐसा पूछना होता तो बहुत पहले में अल्लाह का पूछ को रहता था। आज भी मैं खिदमत कर रहा हूं कहीं के वास्ते, कहीं के वास्ते मेरे भैया का दुख दर्द तकलीफ जो परेशानी देखना सबको मैं कर रहा हूं, सो ये मेरे नेचर में है। सो ये जिस दिन से मैं होश समझा उस दिन से तुम्हारे लोगों के बीच कुछ ना कुछ अच्छे काम के वास्ते, कुछ ना कुछ खिदमत के वास्ते कर ले को जाने पहुंचो।